नमस्कार, स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं टूटी फ्रूटी केक। टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए हम लेंगे टूटी फ्रूटी। ये तीन कलर की टूटी फ्रूटी हैं और होममेड हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसको हम पहले मैदे से कोट कर लेंगे। मैदे से कोट करने का कारण ये रहता है कि जब आप केक बनाते हैं तो अगर आप इसको मैदे से कोट कर देते हैं तो वो केक बनने के बाद नीचे तल्ले में नहीं बैठती है, एक इवनली सारे केक में स्प्रेड हो जाती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि आप जब भी टूटी फ्रूटी केक बनाएं तो आप उसको ऐसे मैदे में कोट कर दें। देखिए, तैयार हो गई है केक में डालने के लिए। अब हम केक बनाना चालू करेंगे। अब हम एक इस तरह एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम डाल देंगे मलाई, आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको हम थोड़ा सा फेंट लेंगे ताकि ये एक सार हो जाए। अब मैं इसमें डाल दूंगी शुगर, क्रिस्टल शुगर है ये, आप चाहें तो शुगर का पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आप शुगर डालते हैं तो आप आधा कप शुगर डालिए, और अगर आप पाउडर बनाते हैं तो आप उसका एक कप डाल दीजिए, क्योंकि शुगर पाउडर होने के बाद फूल बढ़ती है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। आधा कप के करीब दही है। अब मैं इसमें डालूंगी वेनिला एसेंस 5 ml। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम एक छन्नी की सहायता लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1.5 कप मैदा, ये 1 कप हो गया, और ये 1/2 कप। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर, और हम इनको अच्छे से मिला लेंगे, छान लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएं और इवनली पूरे केक में सोडा और बेकिंग पाउडर फैल जाए, और जो इसके क्रिस्टल हैं वो भी, क्रिस्टल मतलब जो ढेले बन जाते हैं सोडा और बेकिंग पाउडर के, वो भी चले जाएं। नहीं तो वो अगर रह जाएंगे तो मुंह में आने पे कड़वे से लगते हैं। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब मैं स्पैचुला की मदद ले रही हूँ, उससे थोड़ा आसान हो जाता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दूंगी। अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें ये जो हमने फ्रूटी आटे में कोट करके रखी हुई थी मैदे में, वो पूरी मिला दूंगी इसमें अच्छे से, कट एंड फोल्ड करके इसको हम केक का वही ध्यान रखना है, मैदा डालने के बाद उसको बस मिक्स करना रहता है, ज़्यादा नहीं करना है। बैटर आपका रेडी हो गया है, केक रेडी है ओवन में डालने के लिए। तो हम एक कंटेनर ले लेंगे इस तरह, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है,
उसको मैं थोड़ा सा मैदा भी गुरक दूंगी ताकि केक जो है आसानी से निकल आए। आप चाहे तो नीचे बटर पेपर, न्यूज़पेपर कुछ भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें ये बैटर डाल दूंगी। ये बैटर रेडी है ओवन में जाने के लिए। हम इसको थोड़ा सा इस तरह सेट कर देंगे ताकि उसकी एयर जो रहेगी वो निकल जाएगी। अब हम इसको बेक करेंगे 175 डिग्री पे 45 मिनट्स के लिए। पहले मैं इसको बॉटम में करूँगी, फिर मैं बोथ पे करके बेक करूँगी। 45 मिनट्स बेक करने के बाद देखिए केक अच्छे से बेक हो गया है। अब ठंडा होकर के हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसके किनारे को इस तरह, ऐसे तो अलग हो चुका है पर एक बार इस तरह चाकू से क्लियर कर देंगे और इसको अलग कर देंगे। देखिए खूब अच्छे से निकल आया, केक पूरी तरह से पक चुका है। चलिए अब हम इसको काटते हैं। वाह, देखिए कितने अच्छे से इसकी फ्रूटी दिख रही है। अब हम इसके और स्लाइस कर लेंगे। टूटी फ्रूटी केक बनके तैयार है खाने के लिए। आशा है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। देखिए इसका मॉइस्ट भी कितना बरकरार है, एकदम सॉफ्ट बना है, छूने में ही देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आशा है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप भी बनाइए, खाइए और बताइए आपका कैसा बना और आपको कैसा लगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।